हुज़ैफा ने सवाल किया कि किस उम्र से शुरू करना चाहिए, बच्चपन से शुरू करना चाहिए। बचपन से डालेंगे ना उसके अंदर कि तू तू है, तू ये है, तू मस्जिद भी जाएगा, तू नमाज भी पढ़ेगा। उसे बचपन से उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग की जाएगी ना कि तू एक आम इंसान नहीं, तू मुसलमानों का बच्चा है, तू शेरों का बच्चा है, तेरे बाप दादों की ये लेगेसी है। बचपन से डालेंगे ना उसको। कंपनी बर्बाद है, ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब है, कौम टूटी हुई है, फिरकों में बटे हुए हैं, मुल्क टूटे हुए हैं, हुकूमतें मजबूर हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कमजोर हैं, दुनिया की आर्टिलरीज और आर्सेनल्स में कमजोर हैं। ठीक है, वक्त साथ नहीं दे रहा इस टाइम पर, जो भी मामला चल रहे हैं इस टाइम पर, तू तू ये है, तेरी लेगेसी ये है, तूने अपने साथ के अंदर इतना इंस्टिगेट करना है, तूने इतना पुटअप करना है उस सोच को जो 1440 साल पहले मक्के से शुरू हुई। ये सब चीजें डालेंगे। तूने अगर किसी भी मैदान में उतरना है, अपने पर्सनल मैदान में भी उतरना है, तो तू अकेला कैसे आ सकता है? तू एक सोच के साथ आएगा कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के तहत मैंने इतना हिलाना है, जाया कैसे कर सकता है? जाया से मुराद रिलैक्स होना नहीं है, बीच पे जाके बैठना नहीं है, स्विमिंग करना इरेलेवेंट है। जाया ये है जिंदगी में वो लम्हा जिसके पीछे विजन नहीं, दर्द नहीं, एहसास नहीं, बोझ नहीं, बड़ों की कुर्बानियां नहीं, दोस्तों की यारी नहीं, दोस्तों का साथ नहीं, वफाई नहीं, जफाई नहीं। ये लम्हा जो बगैर इन ऐसा साथ के होता है, इसको तो तारीख ने लिखा ही नहीं कभी। इतना इतना इस इन फजूलियात को तारीख ने रकम ही नहीं बख्शा कभी। They were not important. They were never the part of the history because they were useless things.